अंग्रेज, फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेज, जिन्होंने अपनी नीतियों से दो देशों को बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की तरह ही अंग्रेजों ने दो अन्य देशों को भी इसका शिकार बनाया, जो थे इजराइल और फिलिस्तीन। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल की, हिस्ट्री ऑफ इजराइल, एक ताकतवर देश। तो शुरू करते हैं मीमांसा हिस्ट्री पर, हिस्ट्री ऑफ इजराइल। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र इसे कहा जाता है। बहुत दिलचस्प बात है यह दुनिया के लिए कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी रहते हैं तो उन्हें इजराइल अपने देश का नागरिक मानता है। मणिपुर से भी छोटा, जी हाँ, इजराइल का क्षेत्रफल भारत के मणिपुर से भी कम है, जबकि वह ताकत में दुनिया के 5 देशों में आता है। इसी का नाम है इजराइल, यहूदी देश, अरब देशों से घिरा हुआ। जहाँ पर सुन्नी मुस्लिम आबादी रहती है वहाँ पर एकमात्र देश यहूदी देश इजराइल। विश्व के मानचित्र की अगर बात करें तो इजराइल मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में स्थित है, जो कि एशिया के बाद का हिस्सा माना जाता है। फिलिस्तीन और इजराइल के हिस्से की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो इजराइल का क्षेत्रफल है 20,770 वर्ग किलोमीटर, और अगर वहीं हम बात करें फिलिस्तीन की, तो विभाजन के बाद भी फिलिस्तीन अपने को विभाजित होने से नहीं रोक सका और उसके दो टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा गाजा पट्टी कहलाया, जो 365 वर्ग किलोमीटर में है, और दूसरा वेस्ट बैंक कहलाया, जो 5,655 किलोमीटर में है। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि वेस्ट बैंक के जो निवासी हैं वो शांति चाहते हैं, जबकि गाजा पट्टी के निवासी इजराइल से अपनी छीनी हुई ज़मीन को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कारण से वो इसका अंतिम परिणाम युद्ध मानते हैं, और युद्ध के द्वारा ही वो इजराइल से अपनी भूमि वापस पाना चाहते हैं। इसमें उनकी हेल्प करता है ईरान। क्यों? क्योंकि ईरान और इजराइल आपस में कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक भाग आता है यरूशलम, जिसको लेकर वर्तमान में विवाद हुआ है। यरूशलम को यूएनओ ने 8% की ज़मीन दी और उसको अपने में शामिल किया। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यह क्षेत्र झगड़े की या विवाद की जड़ माना जाता है। क्यों? आखिर यरूशलम क्यों? यह 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। ईसाई जहां यहां पर ईसा मसीह का जन्म स्थल मानते हैं, वहीं मुस्लिम इसे अपने धर्म की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा का स्थान मानते हैं, और यहूदी यहां से अपने धर्म का आरंभ मानते हैं। फिर से हम बात करते हैं इजराइल की। अगर हमें भारत से इजराइल जाना है तो हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इजराइल। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। कहाँ? लंदन में। जी हाँ, इसीलिए इसे IPL कहा जाता है। 1948 में फिलिस्तीन को तोड़कर अंग्रेज़ों ने इजराइल को बनाया था। IPL यानी इजराइल, फिलिस्तीन और लंदन। यरूशलम विवाद क्यों? क्योंकि अन्य देश मानते हैं कि यरूशलम पर UNO का अधिकार है। जी हाँ, UNO का, और UNO का मतलब हो सब जने मानते हैं अमेरिका का प्रभुत्व, और एक ताकतवर देश इजराइल का प्रभुत्व। इसी कारण अरब देश इसका विरोध करते हैं। अंग्रेज़ों ने जब बंटवारा किया था तब कुल हिस्से का 44% इसराइल को प्रदान किया था और 48% फिलिस्तीन को दिया था, पर जंग से जीतते हुए इसराइल ने फिलिस्तीन के अधिकतर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, और आज सिर्फ 12% ज़मीन ही
फिलिस्तीन के पास बची है। जंग के में जीतते हुए अनेक विजय हासिल करते हुए इसराइल ने अनेक नियम फिलिस्तीन पर डाल दिए, जैसे फिलिस्तीनी सेना नहीं रख सकते, फिलिस्तीनी हथियार नहीं रख सकते। वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है, वर्तमान लड़ाई जो चल रही है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच, वो शेख जर्राह नामक स्थान को लेकर है, जो जगह यहूदियों की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहूदियों ने यह जगह ऊंची कीमत लेकर खरीदी थी, तो इसराइल के कोर्ट ने फिलिस्तीन के 500 किलोमीटर के एरिया को खाली करने का आदेश दिया और वहाँ से फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर उन्हें यहूदियों को देने की बात कही। यह इस झगड़े की मुख्य जड़ मानी जाती है, इसराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की मुख्य जड़। इसराइल की आबादी की बात करें तो लगभग 15 लाख अरब मुस्लिम वहाँ पर निवास करते हैं और टोटल जनसंख्या लगभग 80 लाख है। वहाँ पर सरकार चलती है नेतन्याहू की, जो कि स्वयं अभी वर्तमान में चारों ओर से दबाव में घिरे हुए हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि फिलिस्तीन के दो हिस्से हो चुके हैं, वेस्ट बैंक जो कि शांति चाहते हैं और गाजा पट्टी जिस पर हमास का कब्जा है। हमास वहाँ का एक आतंकवादी संगठन है जो युद्ध के माध्यम से पुनः अपनी जमीन को प्राप्त करना चाहता है इसराइल से, और इसमें उसका सपोर्ट करता है ईरान। ईरान क्यों? क्योंकि इसराइल को वह अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हमास के पास जो छोटे रॉकेट हैं उसे कासिम कहते हैं और यह उसको ईरान प्रोवाइड करवाता है। पर इसराइल के पास एक सिस्टम है जिसे आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हवा में ही 92% रॉकेटों को मार गिराता है, ज़मीन पर आने से पहले ही उन रॉकेटों को तहस नहस कर देता है। तो ऐसी डिफेंस सिस्टम का जो जन्मदाता वो है इसराइल, और पूरी दुनिया में ऐसी तकनीकें सबसे घातक हथियार सेल्फ डिफेंस में एटमी ताकत जो कि अघोषित है, ये सभी कुछ इसराइल में मौजूद हैं, जिसके कारण सभी उससे बात करने से कतराते हैं या दुश्मनी करने से कतराते हैं। यूएन में भी सब उसके दोस्त हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, सभी इसराइल के साथ है। इसी कारण अचानक से कोई भी देश उस पर हमला करने से एक बार सोचता है। बात करता हूँ मैं 1967 की, उस समय इसराइल पर 6 देशों ने आक्रमण कर दिया था, पर उस हमले को इसराइल ने अपनी आन पर लिया और उन 6 देशों को धूल चटा दी, जो थे इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, सीरिया और फिलिस्तीन। इसराइल इतना ताकतवर क्यों? क्यों का जवाब मैं अब आपको देने वाला हूँ। इसराइल में सैन्य कानून है जिसके तहत सभी नागरिकों को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। लड़कों के लिए 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि लड़कियों को 2 साल सेना में रहना अनिवार्य है। 1972 की बात करें, क्यों? क्योंकि इसराइल अपने पर हमला करने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, उसके इतिहास में कहीं किसी को बख्शना नहीं लिखा है। 1972 की बात करें, 72 की म्यूनिक जर्मनी में ओलंपिक चल रहे थे, तब इसराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया गया था। उसका बदला फिर मोसाद ने लिया था। मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, मोसाद यानी मौत। कहा जाता है कि मोसाद सबसे खूंखार इंटेलिजेंट एजेंसी है, जो दुश्मन चाहे संसार के किसी भी कोने में छिपा हो वो उसको ढूंढ कर उसको वहीं समाप्त कर देती है। तो मोसाद यानी मौत इजिकल टू इसराइल। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना इसराइल की है। फाइटर जेट F-35 विमान इसराइल के पास है, जिनका उपयोग वो युद्ध में करता है, जो कि रडार की पकड़ में भी नहीं आते। तो इस तरह से इसराइल जो है वो विश्व के ताकतवर देशों में शामिल है। इसराइल एक ताकतवर, एक विकसित और एक स्वाभिमानी देश, जो अपना बदला लेना खुद जानता है।